आइए आज हम आपको लिए चलते हैं बारां जिले में स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर। यह मंदिर बारां जिले से लगभग 26 किलोमीटर दूर सोरसन में ब्रह्माणी माता का प्राचीन मंदिर है। राजस्थान में यूं तो कई तीर्थ स्थल है, लेकिन सोरसन का तीर्थ स्थल एक अनूठी सौगात देता है। यह मंदिर पुराने किले में स्थित है और चारों ओर ऊंचे परकोटों से घिरा हुआ है। इसे गुफा मंदिर भी कहा जा सकता है। मंदिर के तीन प्रवेश द्वारों में से दो द्वार कलात्मक हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। जब भी कोई ब्रह्माणी माता के आता है तो वह यहाँ का नजारा देखकर गदगद हो उठता है। परिसर के मध्य स्थित मंदिर में गुंबद द्वारा मंडप और शिखर युक्त गर्भगृह है। इसमें झुककर ही प्रवेश किया जा सकता है। जब भी कोई पुजारी इस मंदिर में पूजा करता है तो उसे पूजा झुककर ही करनी पड़ती है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल चट्टान है। चट्टान में बनी चरण चौकी पर माता जी की पाषाण प्रतिमा विराजमान है। यह दुनिया का पहला मंदिर है जहाँ देवी विग्रह के पृष्ठ भाग को पूजा जाता है। यहाँ पर जो माता का श्रृंगार होता है वह श्रृंगार पीठ का ही होता है और भोग भी माता की पीठ को ही लगाया जाता है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वह माता जी की पीठ का ही दर्शन करते हैं। यहाँ के लोग इसे पीठ पूजाना कहते हैं। माता जी की प्रतिमा की पीठ पर प्रतिदिन सिंदूर लगाकर कनेर के पत्तों से श्रृंगार किया जाता है, फिर नियमित रूप से भोग लगाया जाता है। माता के प्रति इस अंचल में लोगों की गहरी आस्था है, जहां हर कोई दर्शन के लिए खींचा चला आता है। हमारा देश और प्रदेश आध्यात्मिकता, पौराणिकता और ऐतिहासिकता को समेटे हुए हैं। कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। युगों युगों से प्राचीन कला व संस्कृति हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। सोरसन की पहचान का मुख्य केंद्र यहाँ का ऐतिहासिक, पौराणिक और कलाकृति का प्रति ब्रह्माणी माता का मंदिर बताया जाता है। लोग यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं। माता के यहाँ आने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मन्नत पूरी होने पर मान्यता के अनुसार पालना, छत्र या कोई वस्तु मंदिर में चढ़ाता है। सोरसन ब्रह्माणी माता जी के फागुन शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। जब आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ एक कुंड भी देखने को मिलेगा। कुंड के पास ही माता जी का एक तालाब है जिसे बड़े कुंड के नाम से जाना जाता है। माता जी के मंदिर के सामने ही आपको काल भैरव के दर्शन होंगे। माता जी के यहाँ पर आपको अखंड ज्योत के भी दर्शन होंगे। आइए अब हम जानते हैं माता जी के बारे में पंडित छोटूलाल शर्मा से। ने भारत के मात्र एक ऐसा मंदिर है, बारा जिले में पड़ता है सोरसन गांव। अंता से 26 किलोमीटर दूरी पर यहाँ सोरसन गांव में पीठ की पूजा होती है। सन 1624 से अखंड ज्योति चल रही है दोनों तरफ और सुबह दाल बाटी का भोग पीठ पे ही लगाया जाता है, शाम को लड्डू बाटी का भोग ये भी पीठ पे ही लगाया जाता है। रात्रि में एक पुजारी और एक चौकीदार, चौकीदार की यही ड्यूटी है रात्रि में दो या तीन बार उठ के अखंड ज्योति देखने का। माता जी की बहुत मान्यता है, यहाँ से बाहर से बहुत यात्री लोग आ रहे हैं, आने जाने वाले का काम कर रही है माता जी। गुजरात से, लखनऊ से, मारवाड़ से, भरतपुर से, कुछ बाहर से बहुत यात्री लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मेला यहाँ पर अभी मार्च में भरेगा, फागुन महाशिवरात्रि 14 का। आपको यहाँ पर गणेश जी के भी दर्शन होंगे और बालाजी के भी। यहाँ पर एक शिव धूणी भी है और एक प्राचीन शिव मंदिर। बताया जाता है कि यह शिव मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है।
यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ धर्मशाला भी है और सामुदायिक केंद्र भी।